ये रिश्ता क्या कहलाता है। मंदिर वाले एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया हमारा। माँ तो चली गई, बहन भी दूर हो गई मुझसे। अरुण प्लीज कुछ तो कर। I hate you अक्षरा। तेरी वजह से मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैं अरुण को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ को खो दिया है मैंने, बहन को नहीं खो सकती मैं। उसकी खुशी अब उसे मेरे पास ला सकती है। माँ के जाने का गम वो आज तक नहीं भूला पाई। वो आज भी वही है, आगे नहीं बढ़ पाई है वो। लेकिन शायद शादी के बाद वो आगे जरूर बढ़ेगी। बिरलास में जाना हम दोनों बहनों के बिगड़े हुए रिश्ते को सही कर सकता है। हाँ, बड़े पापा से फाइल साइन करवा के ऑफिस भिजवा दिए मैंने, आप अकाउंट्स में चेक करवा लीजिए। ओके बाय। भैया क्या हुआ? नथिंग यार, वो रीम नहीं आई अब तक। ऐसे क्या दिख रहा है? बहुत सारा काम पड़ा है हमारे पास। अभिमन्यु और आरू का हमें एवी बनाना है, फिर वेडिंग शूट की भी प्लानिंग करनी है एंड ऑल, बहुत सारा काम है। बात तो सही है, अब वो नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। लो आ गई रीम। हे भगवान, मेरे भैया को भी सच्चा प्यार मिल जाए। सबको अपना प्यार मिले। मैं जानता हूं कि अक्षु इमोशनल, लेकिन इतना अफेक्टेड कैसे हो गई थी? इतना डर गई थी मां के लिए, बच्चों के लिए? है कहां वो? माँ को तो बचा लिया मैं, लेकिन अब वो बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। मुझे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। थोड़े समय के लिए मुझे बस यहाँ से जाना ही पड़ेगा। से आने में आरू को टाइम लग जाता है, लेकिन अक्षु हमेशा टाइम से आती है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हॉस्पिटल में फोन करके पूछो, वहीं होगी और कहाँ जाएगी। ताई दादी, मैंने कॉल किया था आरू को, पर उस समय वो कुछ और ही पैनिक में थी। तो फिर वहाँ किसी और को फोन करो, अब तो हमें भी चिंता हो रही है। अब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, मतलब फोटोज किसी के हाथ लगी नहीं है। पर फिर भी जब तक फोटोज मेरे हाथ नहीं लग जाती तब तक टेंशन तो होगा ही। सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अक्षु कहाँ पे? कब से ढूंढ रही हूँ उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। वंश, तुम आरोही को एक बार फिर से कॉल करो, पूछो जरा। हाँ, उस समय शायद वो किसी सर्जरी के लिए जा रही थी, इसलिए बात नहीं हो पाई ठीक से। मैं करता हूँ वापस। भैया मैं करता हूँ। कारफ भैया। हाँ भैया। आरू तू कहाँ है अभी? मैं हॉस्पिटल में हूँ। और अक्षु? वो बहुत देर से दिखी नहीं और फोन भी नहीं लग रहा है उसका। मुझे लगता है घर चली गई होगी। मगर वो तो घर पहुंची ही नहीं है अभी, वो कभी लेट आती भी नहीं है। यहाँ घर में सब परेशान हो रहे हैं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आरू, अच्छा जैसे ही पता लगे ना प्लीज हमें बताना। हाँ भैया। क्या हुआ, क्या कहा उसने? वो नहीं है वहां पे। अक्षरा कहीं दिखाई नहीं दे रही, उस वक्त बहुत परेशान हो गई थी। मैं भी ना एक नंबर का गधा हूं।
एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसे सिचुएशन को देखना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं। इससे पता होगा, इससे पूछ लेता। भैया, मैंने फिर से चेक किया, शी इज नॉट अराउंड। और हॉस्पिटल में भी काफी टाइम से उसे किसी ने भी नहीं देखा है। अक्षु नहीं मिल रही है। अक्षु कहाँ गई? आई होप वो ओके हो। हेलो ब्यूटीफुल, जरा हमें भी देख लो। अजीत, अक्षरा मैडम को देखा है? सर कौन सा मैडम? अरे अपनी अक्षरा मैम, ये क्या हुआ? अच्छा ये मैडम? हाँ। ये मैडम तो दिन में ही निकल गई थी, उसके बाद तो लौटी ही नहीं, तब से मैं ही यहाँ ड्यूटी पे हूँ। थैंक यू जी। दिन में निकल गई है, रात होने वाली है, अभी तक घर नहीं पहुंची, ये कहाँ गई होगी हमारी बच्ची? इसका फोन भी ऑफ आ रहा है। कायरा वंश, बेटा तुम दोनों जाओ, जाओ जाके देखो, यहाँ खड़े मत रहो। हाँ। अक्षु बिना बताए कहीं नहीं जाती, कहीं मेरी बच्ची किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? परेशान मत होइए भाभी, मिल जाएगी वो, अक्षु को कुछ नहीं होगा। कायरव वंश, जल्दी से जाओ, फौरन जाओ और बताओ जाके क्या हुआ। क्या हुआ? चलिए भैया चलो। अरे कहाँ गई होगी? हियर्स कमिंग। अक्षरा पता नहीं कहाँ चली गई, वो गायब है। व्हाट यू मीन गायब है? ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुम्हारी बहन? अक्षरा का ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे कहीं गई होगी, आ जाएगी। उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है और अब तो घर में भी सब बहुत परेशान है। सच कहूं तो मुझे भी अब डर लग रहा है क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करती। जस्ट रिलैक्स, हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, बात ना कर पाई हो, होता है ना सबके साथ कभी कभी। रिलैक्स, आ जाएगी। कभी अपना ख्याल नहीं रखती क्या? हाँ मां, भाई को कॉल किया था तो उन्होंने बताया वो अक्षरा को ढूंढने ऑलरेडी निकल चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और हमारे जितने भी एनजीओ सेंटर्स हैं ना उनमें मैं चेक करता हुआ जाऊँगा। गुड आइडिया, मुझे जो भी पता लगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले हमें अपडेट देते रहना। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ चाची के साथ। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई होगी ये लड़की। हे कान्हा जी, अक्षरा का ध्यान रखना। माँ आप घबराइए मत, हम सब ढूंढ रहे हैं ना, तो मिल ही जाएगी। मैं आता हूँ। वो बच्ची हमारी जिम्मेदारी है अखिलेश, हम उसे कुछ नहीं होने दे सकते। कुछ भी करो मनीषा, हमारी अक्षु को ढूंढ कर लाओ बस। भाई साहब हम पुलिस को इन्फॉर्म कर ले। पुलिस के पास जाकर भी कुछ फायदा नहीं है, पुलिस इतना जल्दी एक्शन नहीं लेती, जो करना तुम्हें और मुझे ही करना है। नहीं सर, आज मैम हमारे यहाँ एनजीओ में नहीं आई है। आज तो उनका यहाँ का शेड्यूल ही नहीं है। सॉरी सर, आज तो सारे बच्चे पिकनिक गए, ऑर्फनेज तो बंद है। इन्हें तो हमने देखा नहीं कभी, इन्हें हम नहीं जानते। अक्षु यार कहाँ हो तुम? इतनी अक्षु दिल की बात बताती नहीं है, पर मुझे पता है भैया, मुझे पता है वो तकलीफ में है। तो नहीं अभी कहाँ होगी वो? हे कायरव, संभालो खुद को यार, कुछ नहीं होगा अक्षु को, जस्ट होल्ड ऑन। मैं डरता हूँ भैया, अगर उससे कुछ हो गया ना मैं तो मर ही जाऊंगा। रिलैक्स कायरव, इतने सालों अकेली रही है वो, जहां भी होगी सेफ ही होगी। मेरी बहन, मेरी अक्षु, सो ठीक हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है?